हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने बेसिक लाइंस, बेसिक कर्व्स, ये सारी चीजें सीखी है। आई होप आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की है। एज कमिटेड आज हम कर्व्स को कंटिन्यूएशन में कैसे लिखे वो सीखेंगे। उसके पहले आप स्टैंडिंग लाइन हमने किया, अब प्रिफर करेंगे हम सिंगल लाइन या तो फिर रेड एंड ब्लू लाइन में ही प्रैक्टिस करना है, बिकॉज अब हम राइटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। कर्व्स हमने प्रैक्टिस किए हैं, उसी के साथ हमने स्लैंटिंग लाइंस भी किए हैं। अब ये लाइंस को ज्वाइन करके हम सीक्वेंस में कैसे लिखे जिसमें हमें हाथ उठाकर ना लिखना पड़े। जैसे कि यहाँ पे हम स्टैंडिंग सिंगल लाइन करने के बाद हाथ को मूव कर रहे हैं, वो ना करना पड़े और फिर भी हम प्रैक्टिस कर सके, उसके लिए खुद के पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग स्लैंटिंग स्टैंडिंग स्लैंटिंग स्टैंडिंग स्लैंटिंग स्टैंडिंग स्लैंटिंग, ऐसे ही आप सीक्वेंस बनाइए अपने। उसमें आपको ध्यान एक चीज का रखना है, गैप ऑफ दिस इक्वल रहना चाहिए। स्लैंट एक जगह पे बड़ा, जैसे कि ये, फिर एक छोटा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अलाइनमेंट पे आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर आपको काम करने के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा एक पर्टिकुलर चीज की। वन टाइम पे वन ही चीज कीजिए, उससे आपकी इम्प्रूवमेंट आपको खुद को दिखेगी। अब जैसे कि हमने इसे और इसे प्रैक्टिस किया है, बाकियों के लिए हम करेंगे। अब हम स्लीपिंग और स्लैंटिंग करना है तो जिगजैग करेंगे, करेक्ट। अब हाथ उठाने की जरूरत नहीं, अब वापस ये कीजिए zigzag। ऐसे अपने खुद के कुछ पैटर्न्स बना सकते हैं, यही पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं जिससे प्रैक्टिस हो। ऐसे ही और कुछ पैटर्न्स बनाएंगे, जैसे स्टैंडिंग स्लैंटिंग स्लैंटिंग स्टैंडिंग, अगेन स्लैंटिंग स्टैंडिंग स्लैंटिंग स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग। ऐसे आप अपने हिसाब से, अभी जैसे ये स्टैंडिंग है, ये स्लैंटिंग है, फिर स्टैंडिंग होता है, फिर स्लैंटिंग होता है, ऐसे आप अपने हिसाब से पैटर्न्स बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। मोटो यही है, हमारा मकसद यही है कि अलाइनमेंट प्रॉपर हो, ब्लू लाइन के बाहर ना जाए, ऊपर रेड लाइन को टच अच्छे से हो, सो दैट इम्प्रूवमेंट जब करे तब अच्छे से कर सके। ऐसे ही कुछ और पैटर्न्स बनाएंगे, जैसे कि स्लैंटिंग हो गया, फिर स्लैंटिंग करेंगे। ये सारी चीजें हम प्राइमरी सेक्शन में बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन प्री प्राइमरी के बाद बच्चे ये पैटर्न को फॉलो नहीं करते और भूल जाते हैं। यही रीजन है कि जब बेस पक्का ना हो तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे गैप बड़ा है, यहाँ आते आते गैप छोटा हो रहा है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या रखना है याद, डॉट करके दीजिए बच्चों, ऐसे यहाँ पे डॉट हो गया, फिर जॉइंट करने के लिए बोलिए आप जॉइन दिस डॉट्स, करेक्ट। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा कि मुझे डॉट पे ही कंसंट्रेट करना है, यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है, डॉट टू डॉट जॉइन करना है, लेट देम डू। लेकिन याद रखिए, उनको बोलना ये है कि पेन उठाए बगैर काम कीजिए, बिकॉज जब कर्सिव राइटिंग करेंगे तो हम पेन बार बार फ्लो में ही लिखेंगे, उसे हम उठा के नहीं लिखेंगे। प्रिंट राइटिंग नहीं, कर्सिव राइटिंग पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है।